दोस्तों आज मैं थोड़े नाल चर्चा करना चाहना जिहड़ियां 8 लोकसभा दियां सीट्स कल आम आदमी पार्टी ने अनाउंस कीतियां। हालांकि टिकट्स देनिया सीटा देनिया हर पार्टी का अपना अधिकार खेत्र है, परंतु जे आपां 8 टिकटां नूं एनालाइज करिए उहदे विच दो तां तितलियां ने। यह तितली शब्द मैं भगवंत मान का ही वरत रहा कि मेरा यार तितलियां वर्गा कदी किस फुल ते कदी किस फुल ते, मतलब इन्हां नूं 2014 तो लेके हुण तक 10 सालां दे विच अपना कोई योग उम्मीदवार नहीं लभ रहे, तां दूजियां पार्टियां चों उम्मीदवार पुट पुट के उन्हां दी डिफेक्शन करा करा के यह तितलियां पेश कर रहे हैं। जलंधर लोग सभा विच याद रहे कि जो जिमनी चोण हुई सी उदों भी इन्हां ने कांग्रेस की तितली पुट्टी सी ते उसनूं सरकारी तंत्र दे नाल जिमनी चोण जित गए सी। लेकिन जिहड़े 8 उम्मीदवार कल ऐलाने ने इन्हां विच जिहड़ियां तितलियां कांग्रेस दियां ताजियां पुट के लिया के खड़ियां कर दियां, एक तां इह विशा जद मैं तुहाडे नाल गल कर रहा हुणे हुणे खबर आई है कि साडा एक तितली होर पुट ली कांग्रेस, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल जिहड़ा डिप्टी लीडर पंजाब विधानसभा च MLA हलका चब्बेवाल तो उन्हों लिया ते नाल ही अनाउंस करता कि साडा हुशियारपुर लोग सभा सीट तो उम्मीदवार होगा। 3 तितलियां हो गई ताजिया इस इलेक्शन, चौथी रिंकू ता अगे आ जाओ तुसी। इन्होंने एक कॉमेडियन जिहड़ा करमजीत अनमोल के कुछ इस तरह नाम हैगा उन्हां दा, वो ठीक है अच्छा कलाकार है साडा कोई गल नहीं हैगी, लेकिन कलाकारां दी आउटपुट की रह रही पंजाब की राजनीति। सनी देओल ने वह हशर किया साडे पंजाब दा, माफ करना चंगा लगता भगवंत मान की जिहड़ी जिहड़ी उसकी एक दूजिया नूं टिचरां करन दी बहुत छोटे पद्धर की एक जिदा गली लैवल की मुहल्ला लैवल की जिहड़ी वह राजनीति विधानसभा दे विच आई ना, तितलियां दा शब्द भगवंत मान सिंह जी तुसीं कढ़िया सीगा, हुण टुक गया तुहाडे उत्ते। ताजी लिस्ट विच तुसीं 3 तितलियां लैण लईआं ने, 3 हो गईआं तुहाडीआं ते चौथा हो गया तुहाडा कॉमेडियन। और उहनूं मैं इंटरव्यू सुन रहा सी, कहिंदा जी मैं अपना हले सारा कामकाज पोस्टपोन किया, मैं डेटा पोस्टपोन कर दिया, तो मतलब कलाकारी नहीं छड़ेगा ना वो, अपनी फिल्मा अपने गीत संगीत वह कमाई का साधन हैगा वा, तो सेम सिचुएशन च आ जाएंगे। एक तो हो गया जी कमेडियन, 5 सिटिंग मिनिस्टर्स तुसी अंदाजा ला लो कि MLA भी यही बंदे कुलदीप धालीवाल और मीत हेयर ते लालजीत भुल्लर MLA भी इन्हों बनाया गया, फिर मिनिस्टर इन्हों बनाया गया ते हुण लोकसभा दे विच भी इह उम्मीदवार होणगे। तो हुण मेरा सवाल साडे सत्कारयोग आम आदमी पार्टी दे जज्बाती इमोशनल सेंटीमेंटल वॉलंटियर्स ना, क्योंकि मैं काम कीता ना इन्हां नाल, मैनूं पता इन्हां च बहुत अच्छे लोग भी हैगे ने, इह नहीं कि सारे भेडा ने सारे सोशल मीडिया ते आण के लड़ रहे ने गालां कढ रहे ने, उह भी वर्ग हैगा इक, उह तां हैगा बिल्कुल अंध भगत, लेकिन बहुत सारे अच्छे जिन्हां ने अपने कामकाज छड्डे, जिन्हां ने खेतियां छड्डियां, जिन्हां ने कईयां ने अपनी सिटीजनशिप छड्डी पंजाब च आए, इन्हां ने बहुत मेहनत कीती, बस्ते चक्के दरियां विछाईयां परचे दर्ज कराए पिंड च दुश्मनी पाली, वह कित्थे ने तुसीं। मैं तुहानूं अपील करना चाहुंदा कि तुहाडी वारी किदण आवेगी, मतलब तितलियां दी वारी आवेगी रिंकू दी, फिर अपने तुहाडे हुणे ताजे राजकुमार चब्बेवाल दी, पहला तितलियां दी वारी आवेगी, डिफेक्टर्स दी वारी आवेगी, ते फिर उस तों बाद मंत्रियां दी आवेगी, ते फिर जाके वह सोचणगे कोई आम आदमी हुण आ जाओ पिछे कि आम आदमी पार्टी का आइडियोलॉजी की है। अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ने जो अन्ना हजारे मूवमेंट चो पैदा होए उत्थे उन्होंने गल वायदा किया कि असीं तां यार एक सधारण बंदियां दी पार्टी बन के चलांगे, आम जे बंदे लियाया करांगे, असीं VIP कल्चर शन करांगे, असीं गड्डियां मोटरां नहीं लवांगे, असीं घर कोठियां नहीं लवांगे, असीं सिक्योरिटी गार्ड नहीं लवांगे। पहला तो रज के तोड़िया, अज अरविंद केजरीवाल कोल 2Z+ सिक्योरिटीज है, एक नैशनल लैवल ते एक पंजाब दे कमांडो 2-2 करोड़ दीआं गड्डियां ते चढ़ रहे ने, और पंजाब दे विच भगवंत मान दे कोल 1000 तो उत्ते सिक्योरिटी पैराफर्निलिया, उहदी माता जी को अलग ने, उहदी भैण जी को अलग ने, उहदी जिहड़ी घरों हैगी बीबी डॉक्टर गुरप्रीत कौर उहदे को अलग ने, ते इहदे कोल इन्नी शानो शौकत आ जदों कितें जांदे ने सारा शहर बंद कर दिंदे ने, करफ्यू ला दिंदे ने, 144 ला दिंदे ने, कल तुसीं देखिआ सारे जदों गए ने किसी डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर दे उत्ते, शायद फरीदकोट सीगा, ते साडे पत्रकारां ने जिहड़े ऑर्गेनिक मीडिया उहनां ने दिखाता सारा कुछ, मतलब रज के धज्जियां उड़ाईआं अपने ही उस VIP कल्चर दे वहदे दीआं, गड्डियां मोटरां दीआं, कोठियां कारां दीआं, इन्ना तां शानो शौकत आ जिन्ना मर्जी कही चलो कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़ा असल रजवाड़ा सीगा
या प्रकाश सिंह बादल का परिवार जिहड़े अरसे तो राजनीति सीगे इन्ना तां इन्नी शानो शौकत इन्ना तां नंगा नाच VIP कल्चर का उन्होंने नहीं किया जो हुण ये अखौती सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी की विचारधारा पहला वह तोड़िया रज के इन्होंने कल्चर फिर कहते जी असं तो बिल्कुल दरिया बछाने वाले बिल्कुल सादे जे बंदे रेहड़ियां वाले पेंशन वाले लेके आया करांगे कित्थे ने पेंशन वाले भगवंत सिंह मान जी अठ अपनिया लिस्ट जारी हुई है उन्होंने केड़ा पेंशन वाला वा केड़ा आम आदमी केड़ा सादा किसान है केड़ा दुकानदार है केड़ा वर्ग के लोगों को टिकटा दित्तियां कदी छाप पा गए इत्थे बस नहीं हुण मैं पुछना चाहुंदा कि तुसीं पंजाब कह रहे जी असीं रंगला पंजाब कर दिता कि NSA ला के अपने ही नौजवानों डिब्रूगढ़ भेज के आसाम भेज के उन्होंने नसलकुशी करके BJP BJP प्लेट पिछ रख के कि इस रंगला पंजाब कहिंदे ने अज वो सारा परिवार अमृतपाल सिंह भाई अमृतपाल सिंह खालसा और बुकनवाल गुरमीत सिंह भाई गुरमीत सिंह बुकनवाल की माता समेत 50 बंदे भुख हड़ताल से जेल के अंदर बाहर उन्होंने औरतें बैठिया उन्हें उन्होंने जान निकल रही है पर भगवंत मान को कोई फर्क नहीं गा उ टिचर उ गलां कि मनप्रीत जिहड़ा हैक कर मैं टिचर तो मौत मूहरे खड़ी मनप्रीत के मुतलक कह रहा कि वो हार्ट का इशू होया मतलब इस लैवल तक आदमी गिर सकता है जे किसी आ ही गया को हार्ट का इशू कल किसी भी आ सकता भगवंत भी आ सकता वा तो आप हार्ट का किसी प्रॉब्लम हार्ट अटैक हो स्टेंट पैंट आप भी मजाक करना किसी का NSA ला के जिहड़ा इन्होंने साडे नाल धरोह कमाया सिखां दे नाल इहदा जवाब इस कचहरी दे विच इन्हां नूं देना पवेगा बंदी सिंघां दा मोर्चा लगा मोहाली दे विच अरसे तो बैठे हुए ने जिहड़ियां सजावां कंप्लीट कर चुके ने प्रोफेसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर दा केस इन्हां दे कोल दिल्ली दी मुख्यमंत्री दे टेबल दे उत्ते पिया नथिंग एट ऑल उन्हां दी परवाह ही नहीं कीती कि बंदी सिंघ भी कोई चीज़ हैगे ने उह सजावां कर चुके ने पूरियां इहदा फर्ज़ बणदा सी कि मैं BJP दे नाल उन्हां दी गल प्राइम मिनिस्टर ते अमित शाह दे नाल चिक्का किसानी अंदोलन हो रहा एक पासे साडे पंजाब दे घग्गर दरिया दे पुल दे उत्ते साडी टेरिटरी दे अंदर वड़ के मतलब साडे सूबे दे विच डाका मार के हरियाणा पुलिस ने उत्थों ड्रोना राही साडे टेयर गैस छड्ड के ते साडे किसान सैकड़े किसान फट्टड कीते सीरियसली इंजर कीते जर्नलिस्ट भी इंजर होया उहदे च साडे सैकड़े ट्रैक्टर भन्ने हरियाणा पुलिस ने वड़ के गोली मार के शुभ करन दे पिछे सिर दे विच हरियाणा पुलिस ने एक नौजवान की हत्या कर दिती 10 दिन बाद FIR दर्ज है 0 FIR अणपछाते बंदियां दे खिलाफ यही भगवंत पार्लियामेंट बोलता मैं सुनिया कि कभी कोई पुलिस भी अणपछाती होती है कभी पुलिस का नंबर होता है सर्विस उसका रिवॉल्वर का नंबर होता है उसके हथियार गिने होते हैं उसका पुलिस का रिकॉर्ड होता है पुलिस स्टेशन ने कितनी गोली चली जो बैबल कलाम दो सिख मरे से बादल टाइम उदो अणपछाती पुलिस बहुत माड़ी सी हुण उही परचा अणपछाती पुलिस से भगवंत मान ने किया मैं तुम कि गल सुनावा तो कि मैं तो विधानसभा चो आई एम सॉरी टू से मैं सैशन अटेंड ही नहीं किया क्योंकि मैं अपनी तुहीन करवा नहीं जाना मैं पूरा टिल ला लिया 4-5 दिन जाके देख लिया लेकिन मैं किसान की NSA की बंदी सिंह की गल ही नहीं उन्होंने कर दी और मेरा बड़ा इंपोर्टेंट बिल पेंडिंग है उत्थे विधानसभा देना पवेगा भगवंत ते कुलतार तुहानू हिसाब एक दिन वह देना पैना वा जिहड़ा मैं कह रहा कि गैर पंजाबियों के मुतलक एक हिमाचल प्रदेश की तर्ज से गुजरात की तर्ज से राजस्थान की तरज से हुण उत्तराखंड की तरज से एक कानून बनाओ कि साडे पंजाब दे विच बाहरों आण के लोग साडियां नौकरियां ना हड़प लैण साडी जमीन के मालिक ना बन जाण एकदम साडियां साडे वोटर ना बन जाण आउण जी सदके काम करन पैसे कमाउण जाण ये सारा सूबियां दे विच प्राइम मिनिस्टर की स्टेट विच कानून बनया होया और मीत हेयर कह रहा सीगा मैं सुन रहा सीगा कि अनपढ़ लोग ने जिहड़े कहिंदे जी असीं नौकरियां तो किद्दां रोक सकदे क्योंकि सरकारी नौकरी जदों एडवरटाइज हुंदी आ उहदे च इह पंजाब बोनाफाइड का जिहड़ी शर्त है कंप्लीटली इत्थे दी 12वीं होनी चाहिए इत्थों दा बछिंदा होना चाहिए वह रखते ही नहीं गए तो बाहरों आण के लै जांदे ने नौकरियां हरियाणा तुसीं देखे जूनियर इंजीनियर की 161 चो जिहड़ी नौकरियां बहुत गिणती जिहड़ी सी हरियाणा राजस्थान लै गया पहला बिजली बोर्ड दी PSPCL दीआं होईआं उस तों पहला होर डिपार्टमेंट्स दीआं होईआं तो बड़े शर्म और लोगों ने इहदी मीत हेयर की पुरानी वीडियो शेयर की जिस कहिंदा सी असीं पंजाब दे ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 100% ਰੁਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੀਤ ਹੈ ਲਿਓ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਇਨਸਰਟ ਦੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ
कि वह पंजाब का बोनोफाइडी रेजिडेंट होना चाहिए, बारहवीं पास या ग्रैजुएट या दसवीं पास पंजाब की स्कूल एजुकेशन का बोर्ड का सर्टिफिकेट पहला पेश करो। कहते हैं 6 महीने बाद सर्टिफिकेट ले लो, आपे सब कुछ रुक सकता, लेकिन इन्होंने उस बिल में भी पास नहीं होता क्योंकि इन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं चड्डा वगैरह कैंडीडेट्स ने, यह उन्होंने कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर सके। दूजा है मेरा इशू कि पंजाब का पाकिस्तान व्यापार का बॉर्डर सेंट्रल एशिया तक खुलना चाहिए, जो पुराना सिल्क रूट से जो पाकिस्तान तो बियॉन्ड बहुत वड्डा रकबा अफगानिस्तान ईरान मंगोलिया तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान रूस तक जिथे सारा साड़ी जिहड़ियां फसलां कणक झूना और गन्ना आलू सब्जियां फल फ्रूट एड्डी वड्डी मार्केट है कि सानू MSP मंगण की लोड़ नहीं सी पैनी, उन्होंने सानू एड्डा वड्डा अंदोलन खप्पण की लोड़ नहीं सी पैनी। तो भगवंत कहता पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं खुलना चाहिए, एक यदि लोन लाइन तो कह रहा BJP की NSA भी BJP की लाइन, जरा गैर पंजाबियों का इतने पंजाब आन का रोकना वह भी BJP की लाइन, क्योंकि जे जे स्पीड ना साडे बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, अगर यह कानून ना लिया गया वह दिन दूर नहीं गा जिस दिन तुम आ पग तो पंजाबी जुबान तो पंजाब के लोग पंजाब घट दिसणगे, क्योंकि पिछले कुछ साल कुछ दहाकों में 70-75 लाख पंजाबी विदेशों में जा चुका 3 करोड़ आबादी के और उसकी जगह के उत्ते देख रहे हो। मैंने कहने की लोड़ नहीं कि हर पिंड किस तरह मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं गा, जे हिमाचल लॉ बना सकता जे गुजरात लॉ बना सकता जे राजस्थान लॉ बना सकता तो हुण ताज़ा उत्तराखंड बना सकता तो पंजाब नूं आप किदां कह सकते कि तुसीं जी बाहरलियां नूं ना रोको जी। अखे जी कैनेडा भी साडे लोग जांदे, कैनेडा की ओरिजिनल पॉपुलेशन नहीं शिफ्ट हो रही, उत्थे ही आ, उन्हां नूं वर्कफोर्स चाहिए सी, उन्हां नूं बाहरों लैंदे चाइना तो इंडिया तो पाकिस्तान तो एशियन कंट्रीज तो बंगलादेश तो साड़ी ओरिजिनल पॉपुलेशन शिफ्ट हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ये सारे मुद्दे जिहड़े विधानसभा च नहीं चुकन दिते ये लोकसभा की कचहरी में चकांगे, लेकिन अखीर ते अंत च मैं कहना चाहुंदा वॉलंटियर्स नूं कि अपने लीडर्स नूं पुछो, तां सही ये तुहानूं आपे कहिंदा सी भगवंत कि अपने लीडरां नूं पुछिया करो, इन्हां नूं घेरो, इन्हां नूं पुछो कि यारो इन्नियां तितलियां बाहर लिया ओ यारो इन्ने कलाकार ओ यारो यार उही मंत्री उही MLA उही लोकसभा के कैंडीडेट होर कोई बंदा नहीं तुहानूं लभिया। जे तुसीं नहीं पुछोगे तो फिर यह नजर आऊगा कि सारे अंत भगत ते भेडा बन के रह चुके। पर मैनूं पूरा ना सके ये गल अवश्य पंजाब की कचहरी के लोगों की कचहरी के लोकसभा चोणां विच उठणगियां। तो इन्नियां गल्लां मैं तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा, जो मैं कहा मैं अपने दिलों कहा वा, हो सकता किसी नूं कुछ बुरा लग्या होवे, लेकिन मैं अपनी गल जो मैनूं जची जो मैं इन्हां दे विच काम करके देखिया जो इन्हां दे डुप्लीकेट डबल स्टैंडर्ड्स डबल फेसेटेड कैरेक्टर्स ने दोगली नीति है उहदा खुलासा करना बहुत सीगा। गल्लां तां होर बहुत ने, जो केजरीवाल साहब कहते ED और CBI ने हमको वहां पर रगड़ दिया है, कट्टर ईमानदार है, उधरों बाद तो जुर्म तो साढ़े ते किया, मेरे तो NDPS के परचे किए, मेरे 5 परचे किए इस 2 साल की सरकार ने। जिदन मेरी जमानत हुई हाईकोर्ट तो NDPS केस मेरे सुभानपुर का एक तड़के 3 बजे केस और दर्ज करके मैंने दोबारा अरैसट कर लिया उस केस की। तुम पंजाब पुलिस के विजिलेंस नहीं मिसयूज कर रहे लाइक द BJP इज डूइंग मिसयूजिंग CBI एंड ED? की तुसी मीडिया पंजाब का हाईजैक नहीं किया? कहने गोदी मीडिया हाँ किया उन्हें, पर बनो यह स्वीकार करो कि असी पुलिस का मिसयूज कर रहे, असी मीडिया भी हाईजैक किया। मैं कितने करफ्यू मेरा यो यार हों यादविंदर कितने है यार, साढ़े होर इदा 3-4 मित्र नाम लिया बुरा मना, पर यादविंदर तो मैं बड़ी हैरानगी होंगी लभा ही मुड़ के कभी तुम मेरी कभी इंटरव्यू देखी किसी मेन स्ट्रीम चैनल से किसी मेन स्ट्रीम वी अखबार में मेरी कोई इंटरव्यू देखी नैवर, बिकॉज इन्होंने उस सारे मीडिया में भी BJP की तर्ज से हाईजैक किया। पर तितलियां हाए ओए रब्बा भगवंत सिंह मेरा यार, तितलियां वर्गा कभी इस फुल से कभी इस फुल से कभी इस फुल से लै दे जवाब पंजाब के लोगों की कचहरी। मेरे नाल जुड़न वास्ते तुहाडा सारा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।